हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज की अनबॉक्सिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग ने भी बहुत सारी शॉपिंग की होगी बिग बिलियन डे सेल के अंदर और अमेजोन के सेल के अंदर। तो हमने भी शॉपिंग की और मंगाया GoPro Hero 10। सो आई नो इट्स नॉट न्यू, ये नया GoPro नहीं है, बट बजट में था और काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा था तो मैंने इसे परचेस किया और इसके साथ इसके बहुत सारे एक्सेसरीज को परचेस किया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपको दिखाने के लिए। तो हम एक एक करके उनको देखेंगे और उनके बारे में कुछ जानकारी है वो देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है वो बॉक्स GoPro Hero 10 का। तो मैं फीचर्स बता देता हूँ आपको इसके साथ क्या क्या मिलता है। सबसे पहला कैमरा अपग्रेड हो जाता है अगर आप हीरो 9 यूज़ कर रहे हैं तो। इसमें अब मिलता है 23 मेगापिक्सल कैमरा। देन वी हैव 5.3K रिकॉर्डिंग अप टू 60 फ्रेम FPS, 4K 120 FPS, देन 33 फीट यानी कि 10 मीटर्स तक ये पानी के अंदर तक आप शूटिंग कर सकते हैं एंड GPS। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी इन्होंने अपग्रेड किया है। तो GoPro का नया प्रोसेसर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो GoPro आई थिंक 6 या 5 से लेकर 9 तक एक प्रोसेसर था बट उन्होंने अपग्रेड कर दिया है तो इसके वजह से परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है इसकी। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया 5.3K में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो जाता है 60 फ्रेम पर सेकेंड, देन 4K में 120 फ्रेम पर सेकेंड एंड 2.7K के अंदर 240 FPS, यानी कि स्लो मोशन काफ़ी स्मूथ होने वाला है इसके साथ। तो इसमें आपका वॉइस कंट्रोल भी ऐड हो गया है। देन वी हैव 8x स्लो मोशन, देन डेटा ओवरलेस, टाइम रैप यानी कि जो टाइम लैप्स होते हैं वो, 1080 लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं इसके साथ, सुपर फोटो प्लस HDR अपलोड ऑटोमेटिकली टू क्लाउड एंड वेबकैम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं और मॉड रेडी है यानी कि इस GoPro बेसिकली बहुत छोटा डिवाइस है एंड आपको पता है इसके साथ बहुत सारे मॉड मिलते हैं यानी कि यूज़ करने के लिए आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने चेस्ट पे लगा सकते हैं तो उसका एक माउंट आता है, देन हेलमेट का एक माउंट आता है, देन स्टिक आती है यानी सेल्फी स्टिक जैसी एक स्टिक होती है उसमें भी आप माउंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेसरीज भर भर के आपको मिलेंगे। तो हमने कुछ एक्सेसरीज मंगाए हैं उनके बारे में भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो बॉक्स ऑलरेडी हम लोग ओपन कर चुके हैं। तो बॉक्स कंटेंट आपको एक रिचार्ज एक केबल मिलता है, फिर इसके साथ रिचार्जेबल बैटरी होती है, फिर आपको GoPro मिलता है, फिर एक केस मिलता है और दो माउंट मिलते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस बॉक्स को हम लोग ने खाली कर लिया है जो मैंने बताया है, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये एक अलग बॉक्स है जो हमने लिया है, ये कुछ 254 का पड़ा है और बॉक्स जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है आप देख सकते हैं। तो इसका नाम है कैसॉन की ब्रांडिंग का बॉक्स है एंड इसके साथ आपको एक हैंडल मिलता है। और तो इसके अंदर अभी क्या है वो हम देखते हैं। तो हमने बॉक्स ये जो ओरिजिनल बॉक्स है उसमें से चीज़ें निकाल के इसके अंदर डाल दी। सो केस में से हम चीज़ें निकालते हैं, ये केस ऐसे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे GoPro जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केस की बात मैं कर रहा था। तो ये केस इसके साथ मिलता है और इसके ऊपर भी एक ढक्कन है तो यानी कि इसे आप डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कटआउट्स है पावर बटन के एंड ऊपर भी जो बटन होता है उसका भी एक कटआउट है तो उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे रखते साइड में, फिर अगेन एक और केबल है यहाँ पे चार्जिंग केबल और ये जो है ये बैटरी पैक है जो हमने अलग से परचेस किया है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ली है तो ये अलग से परचेस किया है। और यहाँ पे इसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो बैटरी एक साथ आप चार्ज कर सकते हैं जो कि लंबे टाइम के लिए अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कोई आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी यूज़फुल है। और इसके पीछे यहाँ से आप इसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस एंड लिंक मैं शेयर कर दूँगा। ये भी हमने परचेस किया है और ये जो दो माउंट है ये आपको डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही मिलते हैं तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है।
यहाँ पे एक स्क्रीन है, फिर यहाँ पे बटन है, यहाँ पे भी एक स्क्रीन है, यहाँ पे आपके मोड का बटन है। तो नीचे जो माउंट्स आपको लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं, ये मैग्नेटिक है तो ये मेटल का है, तो यहाँ से आप स्क्रू डाल के इसे जब ऐसे करेंगे तो ये फिट हो जाता है। और ये चीज़ जो है ये यहाँ से खुलती है, इसे थोड़ा ऊपर खींचना पड़ता है। एक बैटरी हमने ऑलरेडी डाली है यहाँ पे, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। और यहाँ पे एक एसडी कार्ड का भी स्लॉट है जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, तो ये कार्ड जो है अलग से लिया हमने, और ये इस तरीके से फिट हो जाता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, तो इसे आप पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर्स है, चलिए इसे ऑन करते हैं। जैसा कि आपने आवाज़ सुना, और ये ऑन हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं ये फिलहाल वाइड एंगल में है, एंड टच सेंसिटिव होने के कारण यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन जो मिलता है वो प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, फिर एक्टिविटी है, फिर सिनेमेटिक है, अल्ट्रा स्लो मोशन है, बेसिक है। तो ये कुछ प्रोफाइल क्रिएट किए गए हैं, बट स्टैंडर्ड और सिनेमैटिक में आप जाएंगे इसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कि इसका फ्रेम कितना सेट करना है, हाइपर स्मूथ रखना है, ड्यूरेशन, कैप्चर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस आप कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सेट कर सकते हैं, तो ये आपका एक प्रोफाइल बन जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे आपका 1x जो फ्रेम है वो आप सेट कर सकते हैं, 2x स्लो मोशन हो गया, 60 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। देन एक ये मोड है अपना स्टेबलाइजेशन, जैसे आप इसको टिल्ट करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस पे भी ये एक एंगल है, तो पहले ये कुछ सर्टेन एंगल पे ये सेट होता था, आई थिंक अभी ये 45 तक जाता है। तो बेसिकली ये एक्शन मोड के लिए है, जो आप अगर कहीं पे शूट ऐसा कर रहे हैं जो एक्शन रिक्वायर है, और जैसे आप कोई साइकिलिंग कर रहे हैं या काइंड ऑफ, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। ऊपर से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जीपीएस है, ऐप है, म्यूजिक, टोन, फ्लैश काइंड ऑफ, फिर ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है इसमें, लेकिन आप फोटोज़ डायरेक्ट कनेक्ट करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कुछ सैम्पल्स है वो मैं कोशिश करूँगा कि डालने की, तो इस तरीके से ये वीडियो में डाल दूँगा। तो ये यहाँ पे सैम्पल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका डिटेल ओवरव्यू फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ एंड कैसे ये काम करता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये बैटरी 70% चार्ज है, 15 आवर्स का इसमें रिकॉर्डिंग टाइम अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे 4K है, यहाँ पे जैसे 2.7K मैंने बोला, तो यहाँ पे आपको 120 तक का ऑप्शन मिल जा रहा है, 4K में आपको 60 का ऑप्शन मिलता है, 5.3K में ये 60 तक जाता है, 2.7K में, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हमने एक एक एक्सेसरीज के बारे में आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से GoPro आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं व्लॉगिंग के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं आउटडोर्स में, तो आई थिंक इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड उसके एक्सेसरीज भी बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, स्मॉल स्मॉल एक्सेसरीज है, जो कि काफ़ी यूज़फुल एक्सेसरीज है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि हम लोग लाते रहेंगे। वीडियोस मेरे वीकली आते ही हैं, लंबे वीडियोस, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो सैटरडे संडे आए। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सारे वीडियो कंटेंट्स को शेयर कीजिए जिनको भी इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।